ढाल या प्रवणता, अंतराल की ढाल या प्रवणता, स्लोप ऑफ द इंटरवल, किसी रेखा या उसके किसी अंतराल की ढाल यह बताती है कि रेखा कितनी तेजी से चढ़ती या उतरती है। रेखा के किसी अंतराल ए बी की ढाल का मान वाई निर्देशांक के बी बिंदु से ए बिंदु तक परिवर्तित होने तथा एक्स निर्देशांक के बी बिंदु से ए बिंदु तक परिवर्तित होने के बीच का अनुपात है। ढाल को प्रवणता भी कहा जाता है। हम ढाल के लिए प्रवणता शब्द का उपयोग करेंगे। यदि बिंदु ए के निर्देशांक 1, 2 और बिंदु बी के निर्देशांक 5, 7 हैं, तब अंतराल ए बी की ढाल बराबर y2 ऋण y1 बटे x2 ऋण x1, यानी 7 ऋण 2 बटे 5 ऋण 1 बराबर 5 बटे 4। इस आकृति को हम ध्यानपूर्वक देखें तो हमें एक समकोण त्रिभुज नज़र आता है जिसका समकोण बिंदु C पर है। यदि हम रेखाखंड AB का विस्तार करें तो वह किसी बिंदु P पर X अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। यह रेखा X अक्ष पर जो कोण बनाएगी वही कोण त्रिभुज ABC के बिंदु A पर बन रहा है, माना यह कोण थीटा है। अतः अंतराल ए बी की प्रवणता बराबर y2 ऋण y1 बटे x2 ऋण x1, यानी यह बराबर होगा BC बटे AC बराबर टेन थीटा। इसलिए प्रवणता बराबर BC बटे AC बराबर टेन थीटा। यदि बिंदु B को पहला और बिंदु A को दूसरा बिंदु माने तब क्या ढाल बदल जाएगा? प्रवणता बराबर 2 ऋण 7 बटे 1 ऋण 5 बराबर ऋण 5 बटे ऋण 4 बराबर 5 बटे 4, अर्थात दिए गए दो बिंदुओं में से किसी भी बिंदु को प्रथम बिंदु या द्वितीय बिंदु मानने पर उन बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा या अंतराल की प्रवणता का मान परिवर्तित नहीं होता। अब आलेख 12 में दिखाए गए अंतराल ए बी की प्रवणता पर विचार कीजिए। अंतराल ए बी की प्रवणता बराबर 1 ऋण 7 बटे 5 ऋण 2 बराबर ऋण 6 बटे 3 बराबर ऋण 2, अर्थात यदि किसी अंतराल में ए से बी की दिशा में बढ़ने पर वाई का मान घटता जाता हो और एक्स का मान बढ़ता जाता हो तो इस प्रकार के अंतराल की प्रवणता ऋणात्मक होती है। विशेष स्थितियाँ। पहला, जब अंतराल क्षैतिज हो। इस स्थिति में y2 ऋण y1 शून्य है और इसलिए प्रवणता शून्य है। दूसरी स्थिति, जब अंतराल ऊर्ध्वाधर हो। इस स्थिति में x2 ऋण x1 शून्य है। चूँकि शून्य से विभाजन परिभाषित नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रवणता परिभाषित नहीं है। सोचे एवं चर्चा करें। दिए गए आलेख 15 को देखिए। आप इनकी प्रवणता के विषय में क्या कहेंगे? अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। कौन कौन से रेखाखंड की प्रवणता धनात्मक है और कौन कौन से रेखाखंड की प्रवणता ऋणात्मक? रेखा की प्रवणता। रेखा की प्रवणता को रेखा के किसी अंतराल की प्रवणता से परिभाषित किया जाता है क्योंकि रेखा के किन्हीं भी दो अंतरालों की प्रवणता बराबर होती है। मान लीजिए कि दो अंतराल ए बी और पी क्यू एक ही रेखा पर हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ए सी और पी आर एक्स अक्ष के समांतर हैं तथा बी सी और क्यू आर वाई अक्ष के समांतर हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए सी समांतर है पी आर के तथा ए क्यू तिर्यक रेखा उन्हें काटती है, इसलिए कोण ए और कोण पी बराबर हैं क्योंकि ये संगत कोण है। इसी तरह
बीसी समांतर है क्यूआर के तथा ए की उत्तीर्यक रेखा उन्हें काटती है, इसलिए कोण बी और कोण क्यू बराबर होंगे क्योंकि यह संगत कोण है। कोण सी बराबर कोण आर, ये दोनों समकोण हैं, इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, और इसलिए क्यूआर बटे पीआर बराबर बीसी बटे एसी, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसलिए अतः हम कह सकते हैं कि इन दोनों अंतरालों AB और PQ की प्रवणता बराबर है।